चैनल सरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, तो इस तरीके से कई सारे इंस्टीट्यूट इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन एक वजह है, एक इंस्टीट्यूट है ऐसा जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है काउंसलिंग, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए हमेशा सरदर्द बन जाता है। तो इस बार भी उसी की वजह से पूरी की पूरी काउंसलिंग जो है डिले हो गई है, यानी देरी से हो रही है। नहीं तो अब तक काउंसलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। तो उस कारण जानेंगे और आज शाम तक उम्मीद की जा सकती है कि शायद सीट मैट्रिक्स आ जाए, उसके बाद ही शेड्यूल जारी होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ही आप सभी लोगों ने फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड मिला, फाइनल रिजल्ट आपने देखा, अब काउंसलिंग भी होनी है। तो काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी अनदर वेबसाइट्स के माध्यम से कहा गया है, लेकिन अभी आपको सीट मैट्रिक्स भी प्रोवाइड करानी है। तो सीट मैट्रिक्स के लिए आप जानते हैं कि जो सीट मैट्रिक्स है बाकी सभी इंस्टीट्यूट्स की जारी कर दी गई, लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, आइए हम आपको उसको भी दिखाते हैं। कि यहाँ पर जो ये इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप देखेंगे तो यहाँ जीट मैट्रिक्स के लिए नोटिफिकेशन डाली गई और आंसर की, यानी आप देखते हैं कि यहाँ एक गूगल फॉर्म अपलोड किया गया था, कहा गया था इस माध्यम से जितने भी इनके कॉलेजेस संबद्ध कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे जो हैं अपनी सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड करा दें, जिससे कि ये काउंसलिंग स्टार्ट की जा सके। देखिए यहाँ पर एक गूगल फॉर्म भरने के लिए कहा गया था, इस गूगल फॉर्म को आप जब भरते हैं, यहाँ पर भरे होंगे तो इसको आप जो भी विद्यालय थे संबंधित उनको 16/8/2022 शाम 3 बजे तक का समय दिया गया था, यानी इसके बाद ही जो है महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जो है यथाशीघ्र प्रारंभ होने वाली है। तो यानी ये पर्टिकुलर संस्था के द्वारा आपको काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये पूरी की पूरी डिटेल इसमें जो है नहीं थी। तो यहाँ जो नर्सिंग की जो काउंसलिंग होनी थी वो अब इसके हवाले हो जाएगी, जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीट मैट्रिक्स अपलोड होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में है और सबसे ज़्यादा जो है कॉलेज भी इसी के थ्रू अटैच्ड हैं। तो जब संबंधित हैं इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, यानी यूनिवर्सिटी से, तो जब तक डाटा व्यवरा क्लियर नहीं आएगा, अभी तक जो उम्मीद की जा रही है वो 11,000 जो है सीट्स के आसपास जो है यहाँ पर समझी जा रही है कि डाटा 11,000 के आसपास जो है यहाँ पर आएगा, 11,000 के पास आसपास प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर जो है आपके पास सीट्स होंगी, पूरी की पूरी आएंगी सभी इंस्टीट्यूट की मिलाकर। लेकिन ये यथास्थिति एकदम सटीक क्लियर तभी होगी जब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो है सीट मैट्रिक्स ऑफिशियली अपलोड की जाएगी। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, आगे की डिटेल आप सभी को पर्टिकुलर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश पर मिलने वाली है। यहीं से सारी की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और यहीं इसी के अंडर टेकिंग में काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये पूरी डिटेल आपने उस लिस्ट में भी देखी जो नोटिस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई। तो उम्मीद करते हैं आज आप शाम तक वेट करिए, और या आज नहीं तो कल हर हाल में इसका शेड्यूल और सीट मैट्रिक्स में से कोई ना कोई एक अपडेट आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, जैसे ही सीट मैट्रिक्स आती है, शेड्यूल आता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।